गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर सेकंड आवर्ती गुण के एक नए टॉपिक को देखते हैं। ये टॉपिक है इलेक्ट्रॉन बंधुता। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें कई बार छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन बंधुता को परिभाषित कीजिए, एक नंबर में आ गया। और इस पर बड़े क्वेश्चन भी आते हैं कई बार, लार्ज वाले जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो भी आ जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसे कहते हैं समझाइए, इलेक्ट्रॉन बंधुता का निर्धारण कैसे किया जाता है ये बताइए, इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में और लिखिए। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। देखिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता आयन ऊर्जा का जस्ट उल्टा है। आयन ऊर्जा का जस्ट उल्टा कैसे, कि आयन ऊर्जा में तो हम ये देखते थे कि किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कितनी ऊर्जा परमाणु को देनी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता में हमें ऊर्जा देनी नहीं होती, परमाणु से ऊर्जा निकलती है। वो कैसे निकलती है कि जब किसी परमाणु में हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब परमाणु में जुड़ता है तो इलेक्ट्रॉन जुड़ने के कारण कितनी ऊर्जा मुक्त हो रही है, उस ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, ठीक है। यानी कि आयनन ऊर्जा में तो हमने परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाला था, यानी परमाणु को धनायन में परिवर्तित किया था। इलेक्ट्रॉन बंधुता में हम परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, यानी परमाणु को हम इलेक्ट्रॉन जोड़ के ऋण आयन में परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई परमाणु जो कि गैसीय अवस्था में है, ठीक है, सिंगल है, अकेला है, गैसीय अवस्था में है, तो उसमें हमने जोड़ा एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद जितनी मात्रा में ऊर्जा मुक्त हुई, उस ऊर्जा की मात्रा को हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी गैसीय विलगित यानी आइसोलेटेड परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त होती है। जैसे हमने यहाँ एक उदाहरण लिया, एक्स है, एक्स के यहाँ कोष्टक में जी लिखा हो, जी का मतलब गैसीय अवस्था में। एक्स सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता या आयन ऊर्जा के केस में गैस ही होगा, है ना। जी लिखा हुआ, जी का मतलब गैस। अब एक्स में हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक्स माइनस जो आयन है ऋण आयन, वो भी गैसीय अवस्था में। तो एक्स में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पे हमें एक्स माइनस प्राप्त होता है, और इस इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पे जो ऊर्जा मुक्त हुई है, उस ऊर्जा को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता। इंग्लिश में इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी ई ए, छोटा साइज में लिखे ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ई ए, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ए मतलब एफिनिटी। इस ऊर्जा की मात्रा को हम डेल्टा एस से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, जैसे हमने देखा आयनन ऊर्जा में प्रथम आयनन ऊर्जा थी, द्वितीय आयनन ऊर्जा थी, तृतीय आयनन ऊर्जा थी, वैसे इलेक्ट्रॉन बंधुता में भी प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता, द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता, तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुता इस तरह से होता है। यानी कि किसी उदासीन परमाणु में हमने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, उस समय जो ऊर्जा निकली वो है प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता। उस माइनस बनने के बाद हमने एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ा और वो परमाणु माइनस टू में परिवर्तित हो गया, तो वो कहलाएगी द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता। इस परमाणु में जब माइनस टू हो गया, उसके बाद हमने एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ा और वो परमाणु माइनस थ्री में परिवर्तित हो गया, तो वो कहलाएगी तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुता। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा पहला तो प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता, दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता, तीसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसे हम ई ए यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड से प्रदर्शित करते हैं, और डेल्टा एच इसमें हम और लिखते हैं जी। अब क्या होता है, प्रथम इलेक्ट्रॉन जब हम जोड़ते हैं तब पहले परमाणु होता है उदासीन, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने के बाद वो प्रथम ऋण आयन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, जिसमें ऊर्जा निकलती है। अब जब वो ऋण आयन में परिवर्तित हो गया है, उसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ें तो क्या होगा, पहले से ही उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है क्योंकि वो ऋण आयन में परिवर्तित हो चुका है। अब हम उसमें एक और इलेक्ट्रॉन ज़बरदस्ती जोड़ रहे हैं, तो ऋण आयन और जो इलेक्ट्रॉन हम नया जोड़ रहे हैं वो आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी जुड़ना नहीं चाहेंगे, है ना, ठीक है।
पहले तो था उदासीन परमाणु जिसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, लेकिन अब वो उदासीन परमाणु नहीं है, अब वो एक ऋण आयन है। ऋण आयन में हम इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे भी माइनस चार्ज और परमाणु पे भी माइनस चार्ज है क्योंकि वो ऋण आयन है। तो वो परमाणु तो ऋण आयन आने वाले नए इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है, तो ऊर्जा की कम मात्रा मुक्त होगी। फिर हम मान लो तीसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन हम जोड़ रहे हैं तीसरा वो भी ऋण है, और परमाणु में पहले से ही दो माइनस चार्ज हैं, तो दो माइनस चार्ज उस तीसरे आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षण होने के कारण ऊर्जा मुक्त नहीं होगी, उल्टा हमें और ऊर्जा देनी पड़ जाएगी। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो हम देखते हैं कि जब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में हम जब पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो कितनी ऊर्जा निकलती है, 141 किलो जूल प्रति मोल। लेकिन जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं जुड़ पाता क्योंकि पहले से माइनस है, तो उल्टा हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, वो भी कितनी, 704 किलो जूल प्रति मोल, ठीक है। और अगर हम यानी कि जब ऑक्सीजन में हमने पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो ऊर्जा निकली, लेकिन जब हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो ऊर्जा निकल नहीं रही है, देनी पड़ रही, क्यों, क्योंकि पहले वाला माइनस जो बन चुका है ऑक्सीजन माइनस, वो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको प्रतिकर्षित कर रहा है, है ना। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन के जोड़ने पर निकलने वाली ऊर्जा का मान है, ठीक है। उष्मा गतिकी के अनुसार जब ऊर्जा निकलती है तो हम उस माइनस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन बंधुता में हम डेल्टा एच लिखेंगे तो डेल्टा एच को हम माइनस से प्रदर्शित करेंगे क्योंकि यहाँ ऊर्जा निकल रही है। लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रॉन बंधुता का यह जो हमने ऑक्सीजन वाला एग्जाम्पल देखा है इसमें हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन देते समय ऊर्जा देनी पड़ी, तो फिर हम वहाँ प्लस का यूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन बंधुता के केस में हम जो ऊर्जा देते हैं उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम या किलोजूल प्रति मोल या किलो कैलोरी प्रति मोल से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का जब हम निर्धारण करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का निर्धारण या कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का निर्धारण करने के लिए हम बोर्न हैबर साइकिल या बोर्न हैबर चक्र का उपयोग करते हैं, जिसको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। बोर्न हैबर साइकिल में हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है, और बोर्न हैबर साइकिल में हैंड्स लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट का उपयोग किया जाता है, यानी कि हैंड्स के ऊर्जा संरक्षण या के नियम का उपयोग किया जाता है। तो अभी लेकिन हम इस क्लास में सिर्फ ये पढ़ रहे हैं मेनली कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता की क्या परिभाषा है, प्रथम द्वितीय तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है। प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता सामान्यतः में सामान्यतः ऊर्जा निकलती है तो उसे माइनस डेल्टा एच से प्रदर्शित करते हैं। द्वितीय और तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुताओं के मान कम होते हैं और कई बार द्वितीय और तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुता में हमें उल्टा ऊर्जा देनी पड़ती है, जैसे कि मैं ऑक्सीजन के केस में देखा, जब हमने प्रथम इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ जोड़ा तो ऊर्जा निकली, लेकिन जब द्वितीय इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो हमें ऊर्जा देनी पड़ी, ठीक है। अब ये जो पूरा कंसेप्ट है ये ऊष्मा गतिकी यानी थर्मोडाइनेमिक के अकॉर्डिंग है कि कब हमें ऊर्जा देनी पड़ रही है, कब हमें ऊर्जा निकल रही है। और इलेक्ट्रॉन बंधुता का कोई क्वेश्चन आता है जो छोटा, तो हम उसमें जो एग्जाम्पल है वो मेनली ऑक्सीजन का दे सकते हैं क्योंकि इसमें बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता में तो ऊर्जा निकल रही है और द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता में हमें ऊर्जा देनी है ना। और इलेक्ट्रॉन बंधुता में हम परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं वो संयोजकता कोष में यानी कि बाह्यतम कक्षा में जुड़ता है, अंदर आके नहीं जुड़ता है ना, जो सबसे बाहर वाली कक्षा होगी परमाणु की उसी में ही इलेक्ट्रॉन आके जुड़ेगा। एक मेरी सभी बच्चों से और रिक्वेस्ट है कि जो असाइनमेंट आप लोगों को दिए गए हैं आप उन्हें पूरा करें और असाइनमेंट करने के बाद उनकी फ़ोटो खींच के मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, मैं उनको चेक करके आपको जो भी फीडबैक है वो आपको व्हाट्सअप से मैसेज ड्रॉप कर दूंगा। एक आप जो वीडियो देख रहे हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो नहीं देख रहे हैं, है ना, क्योंकि यूट्यूब में पता चल जाता है कि आपकी वीडियो कितनी व्यू हुई है कितनी नहीं हुई है,
तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखें, क्योंकि मैं दिसंबर तक आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। तो अभी अगर आपने डिले किया और वीडियो नहीं देखी तो बाद में आप लोगों को बहुत मेहनत करनी भी पड़ेगी, बार बार वीडियो और पुराना कोर्स भी करना, नया भी करना, और नवंबर दिसंबर में कॉलेज भी खुल जाएंगे तो प्रैक्टिकल्स भी होंगे। अभी कोरोना के कारण आप लोगों की छुट्टियां, आप घर पे आराम से बैठे हुए हैं, तो आप थ्योरी का कोर्स इस टाइम पीरियड पे अच्छे से पूरा कर सकते हैं। जब कॉलेज खुल जाए तब आप प्रैक्टिकल पे फोकस हो जाइएगा, है ना। तो मैं आशा करता हूँ आप वीडियो देखेंगे, और आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मुझे फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं। नोट्स मैंने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दिए हैं, आप नोट्स को प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, जो डाउन भी कर सकते हैं। नोट्स आप नोट देख के आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए, और कोई आपको क्यूरीज हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर पर्सनली मैसेज करें। नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी ही मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।